क्योंकि कुछ मेडिसिन एक्सपायरी नहीं है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में यूज़ होना चाहिए था। ये दवाइयाँ सारी गवर्नमेंट सप्लाई की हैं, तो जो दवाइयाँ अभी खाने योग्य हैं उनको जो है यहाँ पर डिस्पोज कर दिया गया आप देख रहे हैं संगम टुडे न्यूज़। खबर हरिद्वार से है, जहां बैरागी कैंप क्षेत्र में डीएम के निर्देश पर एसडीएम ने छापा मारा तो इस दौरान भारी मात्रा में दवाइयां एक गड्ढे में दबी हुई मिली, जिसे एसडीएम हरिद्वार द्वारा जेसीबी मशीन से खुदवाया गया, जिसके बाद यहां से दवाइयां निकाली गई। एसडीएम ने बताया कि गड्ढे में दबी मिली सभी दवाइयां सरकारी हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। ये पाया गया है, ये वास्तविकता है, तो उसमें मेडिकल टीम प्लस ड्रग इंस्पेक्टर और पॉल्यूशन टीम को मौके में भेजा गया है, और क्योंकि कुछ मेडिसिन एक्सपायरी नहीं है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में यूज़ होना चाहिए था, और कुछ मेडिसिन अगर एक्सपायरी भी थी तो उसका एक प्रॉपर डिस्पोजल का एक जो नियम है, क्योंकि भगवानपुर में उसका एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर बना है जिसमें कि बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्पोजल किया जाता है, जो नहीं किया गया है तो उसमें FIR दर्ज करने के ऑर्डर कर दिए गए हैं पॉल्यूशन डिपार्टमेंट और मेडिकल डिपार्टमेंट को, तो जो भी चीज़ें रहेगी एज पर लॉ कार्रवाई की जाएगी। की गई है वो गवर्नमेंट यूज़ की है, वो नॉट फॉर सेल लिखा गया है, सारे में जितने भी मेडिसिन पाई गई है तो वो गवर्नमेंट की सप्लाई है एक तरीके से, तो उसमें मेडिकल टीम को इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं और उसका प्रॉपर डिस्पोजल के लिए ये भगवानपुर से भी टीम को बुलाया गया है। मुझे ऑन कॉल अभी पता चला, कुछ जर्नलिस्ट ने मुझे कॉल किया है और SDM साहब ने मुझे कॉल किया, बताया कि यहाँ पे बहुत सारी मात्रा में दवाइयाँ डैम की गई है, और मैं मौके पर आके मैंने यहाँ पे चेक किया तो जो दवाइयाँ यहाँ पे पाई गई हैं वो मोस्टली विटामिन्स की, आयरन विटामिन सी है, और जिसमें एक दो दवाइयाँ एक्सपायर हो चुकी हैं, बाकी दो तीन दवाइयाँ ऐसी हैं जिनकी कि अभी एक्सपायरी नहीं हुई है। ये विषय थोड़ा सा जो है गलत है, इस तरीके से जो दवाइयाँ अभी खाने योग्य हैं उनको जो है डैम किया गया है, और जो कि जनता के हित में जानी चाहिए थी, उन्हें बिकनी चाहिए थी, बट जो जांच का विषय ये है कि ये दवाइयाँ सारी गवर्नमेंट सप्लाई की हैं, तो CMO साहब को मेरे द्वारा एक जांच के द्वारा एक लेटर उन्हें प्रस्तुत करके ये सारी जानकारी दी जाएगी कि किस हॉस्पिटल में ये बैच की दवाइयाँ उनके द्वारा सप्लाई की गई थी, तत्पश्चात ही पता चल पाएगा कि किसने और किस हॉस्पिटल से ये दवाएँ यहाँ पर डैम की और क्यों की गई है। ये दवाइयाँ मोस्टली कुंभ के दौरान की हैं, क्योंकि इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है 2020 के आसपास की है, तो विटामिन्स हैं, विटामिन्स बहुत जल्दी डिटोरेट भी हो जाती हैं, तो वजह भले ही जो भी रही हो बट ये तरीका अच्छा नहीं है कि जो दवाइयाँ अभी खाने योग्य हैं उनको जो है यहाँ पर डिस्पोज कर दिया गया है, उसके लिए जो है एक प्रॉपर तरीके से उनका एक डिस्पोजेबल होना चाहिए था। ये मैं नहीं कह सकती क्योंकि मेरे आने के बाद यहाँ पर दवाइयाँ पहले से यहाँ पर जो है बुलडोजर लगा हुआ है और दवाइयाँ चैनल को पहली बार देख रहे हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजाना न भूलें।